क्या आप जानते हैं कि आप दिन भर में औसतन करीब 22,000 बार सांस लेते हैं? कभी गिना नहीं ना। हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हो? स्वागत करते हैं एक नए ब्लॉग पर और एक नए जर्नी लेकर। आज मैं आया हूँ जापानीज टेम्पल जो है राजगीर पर। तो इसके बदौलत मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो हिस्ट्री है, मैं जो जान पाया, मैं जो देखा, वही आपसे शेयर करूंगा। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, स्किप मत कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस जगह के बारे में जानने के लिए। अब देखते रहिए। तो पहले हम देखते हैं इसका बाहर का नज़ारा, फिर जाके अंदर के पूरा हिस्ट्री आप लोगों को बताएंगे। भारत में बिहार राज्य के राजगीर में जापानी मंदिर एक प्रमुख आकर्षण है, जिसे टूरिस्ट बड़ी संख्या में देखने आते हैं। ये है बाहर का एंट्री गेट का नज़ारा। दोस्तों, आपको अंदर आते ही देखने मिलेगा एक बहुत बड़ा बौद्ध मूर्ति जो वहाँ पर स्थापित किया गया है, और इससे नज़ारा बढ़िया लग रहा है। और इसका आसपास का नज़ारा आप एक बार देख सकते हो। इसके साथ ही एक निपोज्जन बेनुबन बिहार भी है, लेकिन इसके अंदर नहीं जा सकते, इसके लिए अलग से परमिशन चाहिए। यहाँ पर निपोज्जन बौद्ध मूर्ति का एक और भी जगह है अंदर जाने का, जहाँ गेट अभी बंद है, लेकिन आप यहाँ पर एक स्टैचू और ये स्थापित मूर्ति आप देख सकते हो। इसके ऊपर लिखा हुआ है जापानीज लैंग्वेज में, और ये है पूरा मंदिर का बाहर से नज़ारा। दोस्तों, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, आप देखिए। और चलते हैं अंदर, अभी यहाँ पर जूता रख के अंदर चलते हैं। और ये मंदिर के सामने से पूरा आसपास का नज़ारा आप एक बार देख सकते हो। ये है टेम्पल का एंट्रेंस, जहाँ ऊपर में बढ़िया जापानीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है जापानीज टेम्पल। इस टेम्पल का दरवाज़ा में जो आर्ट का काम है आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। जापानीज जो स्टाइल है उसमें आर्किटेक्चर बनाया गया है। और चलते हैं अभी अंदर। अंदर का जो नज़ारा है वो तो बढ़िया लगेगा आपको, लेकिन ज़्यादा ज़ोर बात नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो धीरे से आपको अंदर में जो इसका हिस्ट्री दिया गया है आपको मैं बोलूँगा। ये है पूरा आसपास का नज़ारा, आप देख सकते हो। यहाँ पर साइलेंट होने का एक आदेश दिया गया है। तो आप इस वॉल पर देख सकते हो इसका हिस्ट्री है। यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षुक थे जो यहाँ पर आते थे, ध्यान करते थे, और इन लोगों का नाम है यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर देख सकते हो 100 साल पुराना यहाँ पर गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी, सब लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पर जो हेड मॉन्क थे, और ये जापानीज टेम्पल कहाँ पर और स्थापित हुआ है उनका जगह, और इस जगह में जो जो महान व्यक्ति आए थे उन लोगों से बात हुआ था उस मॉन्क के साथ, उन सभी लोगों के साथ सबका फ़ोटो यहाँ पर दिया गया है, कितना कौन सा साल में सब लोग आए थे यहाँ पर। तो भाई, इस प्लेस का मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। तो दोस्तों, इस जगह के बारे में आप लोगों को बताया, और आगे चलते हैं इस जगह को छोड़कर। अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया जगह है, और वो है राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, जहाँ पर ग्लास ब्रिज, बहुत सारे पशु पक्षी और बहुत राइड भी है जो हम लोग करेंगे और आप लोगों को शेयर करेंगे जो स्पेशलिटी क्या है इस जगह में। तो फिलहाल चलते हैं, अभी कुछ आधे घंटे में हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो गाइस, स्वागत है आपको राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी पर। और यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो हम लोग अभी देखने जाएंगे और आपको दिखाएंगे अंदर जाके। पहले हम लोगों को यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा, जो एक एक टिकट का प्राइस है 800 रुपये पर पर्सन, और राइड का अलग से। तो चलते हैं अंदर फिलहाल, और अंदर जाके आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे और
कौन सा कहाँ जगह है आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई आप देख सकते हो ये टिकट का जगह जो बहुत लाइन लगा हुआ है, और फिलहाल हम लोग लाइन में खड़े होकर अभी टिकट लेंगे और जाएंगे अंदर। तो चलते हैं और आपको दिखा देते हैं इसका चारों तरफ का एक बार नज़ारा। तो मैं और ई ने टिकट ले लिया भाई, और अभी अंदर आए हैं राजगीर म्यूज़ियम पर। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लोब से लेकर बहुत सारा पशु पक्षियाँ है। तो यहाँ से शुरू होता है इसका जर्नी। और इस जगह कैसा है, ये अब चीता बाघ लायन वगैरह यहाँ पर सब कुछ है इस जंगल में। हम लोग ओरिजिनल जंगल में हम लोग जाएंगे। तो फिलहाल अब देख लेते हैं इसका डेमो। यहाँ पर जो है ये डेमो वर्शन है। ये हम जानवर से इंसान कैसे बने इसका प्रोसेस भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो भाई। तो भाई साहब ये है पूरा म्यूज़ियम का बाहर का गेट का जो एंट्रेंस पार्ट आप देख सकते हो। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से गाड़ी लेकर। यहाँ पर गाड़ी आ गया, ये गाड़ी अंदर जाएगा फॉरेस्ट के अंदर। हम लोग इस गाड़ी में रहेंगे, और इसका बढ़िया बात है जो इसका गाड़ी के अंदर हम रहेंगे और बाहर रहेंगे पशु पक्षी। तो यहाँ पर पशु पक्षी को फ्री रखा जाता है, जैसे आपको ये देखने को मिलेगा गीर अरण्य में जो है अहमदाबाद में स्थित। और आप सभी जानते हैं अहमदाबाद में जो जो गए हो। तो चलिए हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो आप लोग जैसे देख रहे ना, कुछ देख के मतलब थोड़ा जुरासिक पार्क वाला सीन याद आ रहा है जो बचपन में देखते थे ना, उसी टाइप से कुछ बनाया हुआ है। ये मेन गेट हुआ, ये खुलने के बाद हम लोग डियर का जो प्रजाति होंगे वो लोग हम लोग देखने वाले हैं, बड़ा सिंगा जो जो होते हैं। अब ये गेट ओपन होगा, गेट देख के कुछ याद आता है। कौन सा फिल्म का गेट है? इसी फिल्म में है जुरासिक पार्क मूवी। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पर लायन मादर लायन सोया हुआ है, और मैं थोड़ा खामोशी से बात करूँगा। अंदर हूँ हम लोग, तो अगर हम लोग ज़ोर से बोलेंगे तो ये लोग जाग जा सकता है, और ये बहुत ख़राब दिखता है। तो ये जो बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये है, हम लोग अंदर गाड़ी में है और ये लोग फ्री है। इसको जो इन लोगों को जो फ्रीडम मिला रहने को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब जैसे देख सकते हो ये मादर लायन भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो भाई हम लोग अभी जंगल सफारी करके आए हैं एक छोटा सा पार्क पर, ये भी अंदर पर स्थित है। यहाँ पर अब रेस्ट कर सकते हो, खा पीना सकते हो। और भाई साहब तो आगे चलते हैं, ये है ऑडिटोरियम जो हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पर नेचर के बारे में। तो नेचर कैसे काम करते हैं, नेचर और ह्यूमन के रिलेशनशिप कैसे है, तो चलते हैं ये आप लोगों को दिखाएंगे, और ये आप इंजॉय कीजिए और आप बहुत कुछ यहाँ पर जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप दिन भर में औसतन करीब 22,000 बार सांस लेते हैं? कभी गिना नहीं ना? और क्या ये भी
कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है उतने ही वहाँ के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुँचना मुश्किल होता जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको छलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर ये क्या अचानक ये रोशनी कहाँ से आई? ओहो, ये तो जेलीफिश का झुंड है। जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुंचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन। रोपवे, तो हाँ भाई साहब, तो आप सभी जानते हो ये रोपवे सभी जगह है, लेकिन ये केबल कार या रोपवे आप जो भी बोलो, ये साइकिल रोपवे है यहाँ पर, और साथ में दोनों ही जगह हम लोग बहुत एंजॉय किए। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो लेकर। फिलहाल सब्सक्राइब कीजिए। टाटा बाय बाय।